हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड डिज़ाइन। मैं रवि और एक बार वापस से आ गया हूँ मैं एक वीडियो लेकर। और इसमें हम देखेंगे इरेजर बैकग्राउंड को डिलीट कैसे करते हैं यूजिंग इरेजर। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोटोशॉप पे। और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इमेज, डबल क्लिक करते हैं। और सपोज मैंने ये इमेज उठा लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ऐसे मतलब इमेजेस मैं उठाता हूँ ताकि एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर करके तो सीख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये इमेज मैंने ले लिया और यहाँ पे टूल बॉक्स में एक ऑप्शन आ रहा है हमारा। और उस ऑप्शन के अंदर तीन सब ऑप्शन हैं, जैसे कि इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। तो ये क्या काम करता है हम देख लेते हैं। तो जैसे ही इरेजर टूल को हमने सेलेक्ट किया, तो ये जो ब्रश साइज है ये काफ़ी छोटा है। हम ब्रैकेट, जो अपना कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो भी बोले, जो अपना ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है उससे हमारा छोटा होता जाता है ब्रश साइज, एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट से बड़ा होता जाता है। या फिर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे साइज बड़ा एंड छोटा, साइज को यहाँ से मैनेज करेंगे। और यहाँ पे कुछ ब्रश ऑप्शन है, जब ब्रश बताऊंगा तो इसका फंडा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतने सारे ब्रश दिख रहे हैं ये किस यूज में आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम कीबोर्ड से काम करेंगे, बड़ा छोटा करेंगे ब्रश को, ताकि कीबोर्ड से शॉर्टकट काम इसलिए करेंगे ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। ओके ठीक है, वरना राइट क्लिक करके तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है इरेजर टूल, शॉर्टकट की ई, और हम जब इसको ड्रैग करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मतलब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो इससे हमारा बैकग्राउंड इरेज होता जा रहा है। ओके, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ हमको मिटाना हो तो जस्ट हम इरेजर टूल लेंगे और हम जस्ट क्लिक कर देंगे और वो मिट जाएगा, ठीक है। ओके, अभी जैसे हमने क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया वो पार्ट। ओके, ब्रश के साइज के हिसाब से। अभी मैं ब्रश में आता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हार्डनेस। ये क्या होता है, मैं इसको कम कर देता हूँ तब 100% था, अगर मैं कम कर देता हूँ और जब क्लिक करते हैं तो वो स्मूथ हो गया, मतलब वो ऐसे डायरेक्टली डिलीट नहीं हो गया, वो स्मूथ कर रहा है अपने, मतलब वो जो अपना एजेस को है। तो हम अपने हिसाब से हार्डनेस को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जितनी की ज़रूरत होगी हम सेटिंग करके वो करेंगे। तो ऐसे हमारा इरेज होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो हार्डनेस हमने कम किया तो अब काफ़ी बेहतर तरीके से इरेज हो रहा है, ठीक है। हार्डनेस तभी हम यूज़ करते हैं जब हमको पूरा ही साफ़ कर देना होता है, मिटा देना होता है, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको रखना होता है तो एजेस में हमारा ब्लर आता है, तो हम इसको स्मूथ एज करने के लिए हम रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल, लेकिन उससे पहले हम मैजिक इरेजर टूल देख लेते हैं। हम नेक्स्ट में देखेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। तो मैं मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करता हूँ, पहले कर लेते हैं कंट्रोल जेड, वापस से अपने पुराने इमेज मोड में आ जाते हैं, ठीक है। मैजिक इरेजर टूल मैंने जैसे ही क्लिक किया अपने कैनवास पे तो वो सारा डिलीट हो गया। उसने जो सेम पिक्सल जहाँ पे मैंने क्लिक किया उस पिक्सल को उसने डिलीट कर दिया हर जगह से जहाँ भी उसको मिला, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैजिक इरेजर। ऊपर के कुछ ऑप्शंस हैं कंटिन्यूस या फिर एंटी लाइस, ये सारा देख सकते हैं और भी स्मूथ काम करने के लिए, ठीक है। जस्ट हमने क्लिक कर लिया और ये सारा डिलीट करते जा रहे हैं, और ऐसे करके हम आराम से हटा सकते हैं। जैसे कि कुछ और इमेज लेता हूँ, फाइल ओपन, और हम ले लेते हैं क्योंकि वो सॉलिड बैकग्राउंड इमेज था, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया ये इमेज, हमने जस्ट एक बार मैजिक पे क्लिक किया और ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड साफ, ठीक है। तो हम इसको किसी और बैकग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं, ये सॉलिड बैकग्राउंड वाले के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं फाइल ओपन और ये ले लेते हैं, तो इसमें कलर वेरिएशन काफ़ी सारे हैं, अगर हम क्लिक करते हैं तो ये उस हिसाब से ही सेलेक्ट कर रहा होता है, जहाँ जहाँ पे अपने रेंज में जहाँ जहाँ पे उसको सेम कलर मिलता है वो उसको डिलीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं मैजिक इरेजर। अब हमारा जो आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये काफ़ी मज़ेदार है, ये देखते हैं, ठीक है। दोनों को हमने देख लिया, इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। जस्ट हमने इस पर क्लिक किया और आते हैं अपने पुराने वाले इमेज पे और करते हैं कंट्रोल जेड। काफ़ी टाइम में जब हम काम करेंगे ना तो इमेज को कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल इमेज सेफ रहे, ठीक है। ये सारा अपना टिप्स होता है और अपना काम करने का तरीका होता है, बैक मेन इमेज हमारा हमेशा सेफ रहेगा। अब हमने सेलेक्ट किया,
ऊपर वाले इमेज को, लेयर को अब हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं मतलब अपना प्रॉपर्टी बार में या फिर ऑप्शन बार, जो भी बोले हम इसको। यहाँ पे जब हम ट्रैक करते हैं तो ये डिलीट हो रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अपना इरेजर टूल से भी तो ऐसे ही डिलीट हो रहा था, मगर इसका कुछ एडवांटेज है। ये क्या करता है कि ये जो छोटा प्लस ऑप्शन दिख रहा है, मैं और जूम करता हूँ, तो ये जो ब्रश के बीचों बीच आपको एक प्लस ऑप्शन दिख रहा है, तो ये उस कलर को पिक कर रहा है और ब्लर जो अपना ब्रश का रेंज है उसके हिसाब से डिलीट कर रहा है। जब हमने इस पर क्लिक किया तो उसने उस येलो पॉइंट को पिक किया जहाँ पे वो प्लस ऑप्शन है, और उसने उस हिसाब से सारा डिलीट किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेयर्स वगैरह जो है बिल्कुल एजेस पे वो डिलीट नहीं हुआ। ओके, देख रहे हैं आप, येलो को पिक किया और उसने डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो इसने अब क्या किया कि हेयर को भी पिक कर लिया और अब उसको भी डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये वाला ऑप्शन। ये क्या है, जब हम कर्सर रखेंगे तो थोड़ी देर में टाइटल आ जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जब हम क्लिक करते हैं तो ये डिलीट करता है जो कलर पिक होता है एट ए टाइम, उस कलर को वो कोशिश करता है डिलीट करने की। ठीक है, तो ये हेयर बच गया हमने, क्योंकि हमने येलो पे ही क्लिक किया था। तो ऐसे हम सेलेक्शन को और भी बेहतर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हेयर सेलेक्शन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने फोटोशॉप में, लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये अपना वंस सैम्पलिंग वंस, ये कैसे काम करता है, तो इसको हम ऑल्ट प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, ऑल्ट प्रेस करके होल्ड रखते हैं और जस्ट क्लिक करते हैं। ये आई ड्रॉपर का आइकन है, जस्ट हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो उसने वो सैंपल पिक कर लिया और अब कोशिश करेगा कि वो उसी सैंपल को डिलीट करे जब हम ब्रश को ड्रैग करेंगे क्लिक करके। ठीक है, सैंपल पिक किया वो हमको पता नहीं चला ना, तो हम स्वैप करते हैं और जस्ट ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं, तो देखा आपने फोरग्राउंड कलर पे येलो हो गया ना, तो उसने वो पिक कर लिया। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टाइम पे वो उसी बैकग्राउंड को डिलीट करे जिसको उसने पिक किया है। ठीक है, तो ये डिलीट हो रहा है, ये हेयर हमारा सेफ हो गया क्योंकि इस कलर को तो हमने पिक किया ही नहीं, हमने येलो को पिक किया हुआ है। ऐसे में भी हम प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कर देते हैं, तो इससे हमारा जो फोरग्राउंड कलर होता है वो कोशिश करता है कि इसको डिलीट ना करे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है और हम अच्छे से सेलेक्शन कर सकते हैं इमेज का डिटेलिंग में। ये हो गया, पहले तो हम हेयर के पास अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी तो हम इरेजर टूल से भी या मैजिक इरेजर से पूरे बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शन ट्राई करने होते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे तो सेलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, हेयर बिल्कुल अच्छे से सेफ हो गया हमारा, ये डिलीट नहीं हुआ। तो ये होता है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा बैकग्राउंड स्वेचेस। ये सिंपली क्या करता है कि ये जो बैकग्राउंड कलर में कुछ भी था, जैसे कि हमने कोई और कलर पिक किया हुआ था, तो वो बैकग्राउंड स्वेचेस को सेलेक्ट करता है, क्लिक करता है और उसको डिलीट करता है क्योंकि उसको पिक किया हुआ है। अब हम स्वैप कर देते हैं तो येलो को वो डिलीट करेगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो डिलीट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बैकग्राउंड स्वेचेस यूज किया हुआ है तो ये बैकग्राउंड है। अब हम स्वेच कर देते हैं अगर इसको, तो वो फोरग्राउंड पे आ जाता है, बैकग्राउंड कलर को डिलीट कर रहा है। तो वैसे ही हम स्वेच करते हैं और बैकग्राउंड में येलो आ जाता है, तो क्लिक करना तो येलो डिलीट हो रहा है। तो ये होता है, तो बेसिकली हम ये दोनों को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं और सेलेक्शन अच्छे से बना सकते हैं, मतलब हेयर सेलेक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इरेजर, मैजिक इरेजर और अपना मैजिक इरेजर एंड बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है, तो हम ऐसे अच्छे से सेलेक्शन बना सकते हैं इन तीनों को यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए मुझसे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।